सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, जी हाँ, ये थीम है चंडीगढ़ पुलिस की। और अगर आप बात करें तो जो बैनर आप देख रहे हैं वाकई ये जीवन का एक अहम हिस्सा है। और ऊपर भी आपको एक मैं बैनर और दिखा रहा हूं, 35वां नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2024 जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। और हम इस समय मौजूद हैं चंडीगढ़ सेक्टर 23 में, जहां पर चंडीगढ़ पुलिस एक पाठशाला का आयोजन कर रहा है CTU के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए। हालांकि देखिए, जब आप रोड पर निकलते हैं तो चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, सबके लिए नियमों का पालन और किस तरह से वाहन को चलाना है, चाहे वो लेन की बात हो, ये तमाम जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो बस से हैं जिसे हम सफर करते हैं वो भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। ये पाठशाला यहां पर चल रही है जिसमें CTU के जो लोग आप देख रहे हैं यहां पर मौजूद हैं और चंडीगढ़ पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। बाकायदा आप देखिए कि पूरा इनको समझाया जा रहा है और ये काफी दिनों तक इस तरह का जो अभियान है पिछले दिनों से हम देख रहे हैं वो भी चलता नजर आ रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ राजेंद्र जी मौजूद हैं जो ये पाठशाला ले रहे हैं। राजेंद्र जी, हम देखते हैं कि काफी दिनों से ये मुहिम चल रही है पाठशाला का आयोजन, CTU के ड्राइवर्स कंडक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, किन मुद्दों को आप फोकस ज्यादा कर रहे हैं? सर, हम मेनली इनको फोकस कर रहे हैं कि जब भी आपने सिटी में चलना है तो आप लेफ्ट चलें, क्योंकि मान लो अगर ये सेंटर में चलते हैं फिर लेफ्ट से सवारी लेते हैं फिर सेंटर में आते हैं तो उससे एक्सीडेंट के चांस जो है बढ़ते हैं। दूसरा फोकस कर रहे हैं कि मेनली जो होता है कि हमारी यूनिफॉर्म एक पहचान होती है, हम हमेशा यूनिफॉर्म प्रॉपर साफ सुथरी डाल के चलें, जिससे वो एक हमारा गहना है तो उसको गहना जब भी डालते हैं तो एक अच्छे तरीके से डालें उसको। तीसरी चीज, ड्राइवर और कंडक्टर का जो तालमेल है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर तालमेल नहीं होगा तो एक्सीडेंट बढ़ेंगे। चौथी चीज इनको हम बता रहे हैं कि जो सिटी में चलना है लेन भी लगाई गई है कि आपने लेफ्ट साइड चलना है, ताकि लेफ्ट साइड चलेंगे फिर बीच में आएंगे फिर लेफ्ट जाएंगे तो एक्सीडेंट बढ़ेंगे। अगर आप लेफ्ट को दबा के चलते हो तो साइकिल या टू व्हीलर आपके लेफ्ट नहीं आएगा, जिससे एक्सीडेंट के चांस कम हो जाएंगे। फिर जब आपने बस स्टॉप पे बस को रोकना है प्रॉपर, जैसे इनको PPT में भी दिखाया मैंने कि बिल्कुल बस स्टॉप के आगे लेके जाएं, ले बाई बस जहां पे बना हुआ है वहां पे बस को रोकें। और कईयों ने बीच में वो पिक्चर भी हमने दिखाई है जो कि गलत रोके हुए थे, उससे क्या होता है पूरी जो पीछे की लेन है बाधित हो जाती है और उससे एक्सीडेंट होते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमने शहर में एक्सीडेंट कम करने हैं, चंडीगढ़ को एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाना है। और ये हमारी टीम है, एक पीछे लंबे अरसे से मतलब एक चंडीगढ़ पुलिस इसके ऊपर कार्य कर रही है और 2016 से और आज हम देखें तो इसमें करीब 50% की फैटलिटी में गिरावट भी कम आया है, मतलब बिल्कुल, और सुधार काफी बिल्कुल बहुत इंप्रूवमेंट है। वो इसी कारण है कि पब्लिक जो है आजकल ट्रैफिक रूलों को फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और हमारी यही एक कोशिश है आगे कि चंडीगढ़ में जितना भी कम हो सके, जैसे अब 2023 का अगर हम देखें तो पैदल का जो ग्राफ था वो हाईएस्ट रहा है कि 28 लोग पैदल चलते हुए मारे गए, तो उस पे हमारा फोकस है। दूसरा, साइकिल वाले 12 डेथ होगी साइकिल वालों की, उस पे फोकस है। तीसरा, जो टू व्हीलर पे 20 आदमियों की डेथ हुई, हमारा उस पे फोकस है कि तीन कैटेगरी में 60 डेथ होती है टोटल 60, बाकी बचती है 7। आपका डाटा, आपका बिल्कुल, ये चंडीगढ़ का डाटा 2023 का। तो हमारा फोकस यही है कि पेडेस्ट्रियन, जैसे लोगों को पता नहीं है कि पैदल, हमें मोस्टली लोग लेफ्ट चलते हैं तो हमें लेफ्ट नहीं चलना, हमें जब भी पैदल चलना है रोड के राइट चलना है अपोजिट द ट्रैफिक, ताकि सामने से आता हुआ ट्रैफिक हमें नजर आए, कोई ड्रिंक एंड ड्राइविंग करके आ रहा, कोई गलत ड्राइविंग करता है, डिवाइडर पे चढ़ने की कोशिश करता, तो हम बचा सकते हैं अपने आप को ताकि सामने से नजर आए। बिल्कुल। दूसरा, राजेंद्र जी की बात जारी रखेंगे और कुछ क्योंकि लोग यहां पर मौजूद हैं सिटी से उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? करनैल सिंह। करनैल सिंह जी, ये किस तरह से आप, क्योंकि इतने सालों से अपनी सर्विस में हैं लेकिन कहते हैं कि हर चीज कोई नई सीखनी अच्छी रहती है, कितना का आपको फर्क लगता है? बहुत फर्क पड़ता है सर, जो चंडीगढ़ पुलिस अभी ट्रेनिंग चला रही है, जो ये रोड सेफ्टी का अभियान चल रहा है, इसमें सीखने को नई नई चीज मतलब मिल रही है जी, बहुत अच्छे तरीके नाल समझा रहे हैं। हाँ जी, जिदा हुण पंजाब ने मतलब बहुत वधिया तरीके नाल उन्होंने 52 सीटर दा करया जी, बड़ा एक इशू चल रहा है। हाँ जी, इस तरह चंडीगढ़ दे जो मैं ड्राइवर करनैल सिंह चंडीगढ़ तो CTU दा ड्राइवर हां, यूटी दे विच भी होना चाहिए भी, जिदा मैं हुण लौंग रूट की गड्डी चलाउना, साडी गड्डी दे विच 52 सीटर हैगियां ने, तां यूटी दे विचों भी मतलब जिदा बच्चे बाहरों टेस्ट देण आउंदे आ उस दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आउंदी है। हाँ जी, बाहर दियां स्टेटां दियां गड्डियां, पंजाब दियां, हिमाचल दियां जां दिल्ली तों गड्डियां आउंदियां ने, वापस चलियां जांदियां ने, फिर चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट दे मतलब जिम्मेवारी बन जांदी है, साडे ऑफिसरां दी जिम्मेवारी बन जांदी है,
ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਲੇਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਚੇਂਜਿਸ ਹਮ ਕਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਬੜੇ ਲੋਗ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈਂ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਕਾ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਂ ਹਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੀਟੀਓ ਮੈਂ, ਕਹੀਂ ਵੀ ਹਮ ਜਾਤੇ ਹੈ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਮ ਕਹੀਂ ਵੀ ਜਾਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਇਫੈਕਟ ਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਕਹੀਂ ਵੀ ਜਾਤੇ ਹੈ ਟੂ ਵੀਲਰਸ ਪੇ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੋ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮੇਟ ਕੇ ਲੀਏ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਕੇ ਲੀਏ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਅਵੇਅਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਹਮੇ ਵੀ ਜੈਸੇ ਅਭੀ ਹਮਾਰੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹਮਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਨਕੇ ਲਈ ਹਮੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਹੱਦ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਕਾ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ? ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਜੀ ਸੀਟੀਓ ਦੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਦੋਂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ? ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸੋਧ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਤ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਹਾ ਕੇ ਲੈਫਟ ਮੇਂ ਚਲੇ, ਅਭੀ ਹਮ ਬਾਹਰ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਲੈਫਟ ਮੇਂ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬਸ ਵਹਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੋ ਤੋ ਵੇਟ ਕਰੇਗੀ ਜਬ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਵੋ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਤਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਹੋਰਨ ਹੋਂਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਤੋ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਨਾ ਵੋ ਦਿਖਾਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਹਾਂ ਪੇ ਹੈ ਚੌਕ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੌਕ ਪੇ ਲਗਾਨਾ, ਮੈਂ ਪੀਪੀਟੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਪਕੋ, ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਅਗਰ ਲੈਫਟ ਮੇਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਕਲੀਅਰ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ, ਕੈਸੇ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਮਤਲਬ ਸਲਿਪ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾ ਸਲਿਪ ਰੋਡ ਕੀ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਹਾਂ ਸਲਿਪ ਰੋਡ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਸਲਿਪ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਤੋ ਲੈਫਟ ਖੜੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਸੇ ਤੋ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ, ਜਿਹਨੇ ਅਗਰ ਲੈਫਟ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੀਏ ਯੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ, ਦੇਖੀਏ ਯੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਐਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਲੈਫਟ ਮੇਂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਆਏਗਾ ਜਿਸਨੇ ਲੈਫਟ ਜਾਣਾ ਵੋ ਤੋ ਯਹੀਂ ਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਨੇ ਸੀਧਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਆਪ ਹਲਕਾ ਸਾ ਬੀਚ ਮੇਂ ਆ ਜਾਏਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਆਪ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜੇਂਗੇ ਹੀ ਛੋੜੇਂਗੇ। ਵੋ ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਯੇ ਕਨਸਰਨ ਕਾਫੀ ਲੋਗੋਂ ਕਾ, 22-23 ਕਾ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਸਾਥ ਹੀ ਸਟੋਪੇਜ ਹੈ ਔਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸਲਿਪ ਰੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਅਗਰ ਬਸ ਖੜੀ ਹੈ ਯਾ ਬਸ ਕਿਆ ਕਈ ਐਸੀ ਗਾੜੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਆਗੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਯੇ 3 ਲੇਨ ਆਪਕੀ ਰੋਕ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਨਾ ਤੋ ਇਸਕੋ ਸਲਿਪ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੜ ਗਿਆ ਇਸਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਧਾ, ਤੋ ਉਨਕੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਵੋ ਐਸੇ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਬਸ ਸਟੋਪ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਰੂਲ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਲਾਈਟ ਸੇ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 200 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੋ ਯੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਮੈਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾ ਵੋ ਚਲਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਇਸਕੋ ਅਭੀ ਇਸਕਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਇਸਕੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਤੋ ਵੋ ਵਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਸੇ ਵੋ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ 50 ਮੀਟਰ ਕੀ ਦੂਰੀ ਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਂ ਸੇ ਵਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਹਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹਮੇ ਆਪਣਾ ਜੋ IVO ਹੋਤਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਕਾਮ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਯਹਾਂ ਕਰੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ, ਵੋ ਉਸਕੀ ਖੁਦ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਵਹਾਂ ਪੇ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆਪਸੇ ਲੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਹਮ ਰਾਜਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਕੀ ਬਾਤ ਲੱਗੀ ਔਰ ਜੋ ਕਨੈਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਕੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਬੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਵੀ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਕਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦੀਜੀਏ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਮੇਂ, ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਮੇਂ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਤੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਲੋਗੇ ਤਬ ਤੱਕ ਵੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੋ ਆਪਕਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੈਸੇ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜਬ ਤੱਕ ਆਪ ਬਤਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈ ਸਾਥ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਦੋ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ?
गाना तो मैं अजे लिख रहा वैसे अच्छा। पर अजे लिखा नहीं है क्योंकि बस की ओवरलोड का चल रहा है कि पिछे एक बस डिग भी पई सी नाले च भी डिगी सी तो जो बस ज्यादा भरी होंगी आ तो उदो ब्रेक जी पूरी काम नहीं करती जिथे 52 सीटा वा तो जिथे हूँ 50 होर हो गई 100 हो गई तो वो ओवरलोड बस हो गई तो ओवरलोड ना भी इन्ह ड्राइवर बड़ी दिक्कत आती है जो कोई मतलब अगो कोई आ जाता इदा बंदा अगे उन्होंने बचा हाँ बिल्कुल मैं सुना थोड़ी जी ठीक है हाँ जी नहर जो कंट्रोल नहीं होती हूं नहर बिच बस डिग पी हूं नहर बिच बस डिग पी रोडवेज दी लारी ब्रेक भी ना कम कर दी ओ ब्रेक भी ना कम कर दी भरी सी बहुत सवारी नहर बिच बस डिग पी रोडवेज दी लारी क्या बात है जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी हाँ जी आप बिल्कुल करनैल जी ने गल की सी कि सवारी लैके ड्राइवर तुसी हो जी तुसी 52 बस वाली जी इशू है क्या वो कैसे देखते हैं आप उसको 52 अगर सीटर बस पास है तो उसमें 52 सीट ही 52 सवारी ही बैठा के चले वो अपने लिए भी सही है तो सवारी के लिए भी सही है चलिए तो वैसे डिसाइडेड जी डिसाइड जी उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी होती है कुछ लोकल में जो होती है आपकी वो कुछ स्टैंडिंग की कैपेसिटी होती है आप बताएंगे कितनी कैपेसिटी है वो आपकी ये बहुत बड़ा इशू रहता है आपका हर पाठशाला में हमारे साथ अच्छा सवाल भी है मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि सीटिंग कैपेसिटी बड़ी में कितनी है जो लाल वाली बस है या ग्रीन वाली जो बड़ी बस पहले वाली है तो उसमें कितनी कैपेसिटी है आपकी बस की सीटिंग और स्टैंडिंग नहीं कुछ आपके लाह में कुछ लिखा होगा कुछ आपको बताया या कुछ ऐसा तो नहीं नहीं जो जो सिटी के अंदर बसें चलती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ लोकल जो बसें चल रही हैं मैं बाहर की बात नहीं कर रहा नहीं उसमें उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो अपना 21-2 सीटिंग कैपेसिटी है उसकी 23 और जो कोरोना बसेज है उसकी 36+2 38 है सीटिंग कैपेसिटी बट स्टैंडिंग का तो सर हमें पता नहीं स्टैंडिंग का तो हाँ जी जो सिटी बस चल रही अपनी उदे विच गवर्नमेंट ने तकरीबन जिहड़ी साडी कोरोना बस है जो बड़िया बस है उन्हें जो सीट ही घट लगाई है बसा लंबिया भी है चौड़िया भी है उन्हें सीटा घट लाई है क्योंकि बंदे ने 5 मिनट या 10 मिनट सफर करना होंगे वह खड़ के सफर कर सकता है इस करके स्टैंडिंग की कोई मतलब कैपेसिटी कोई नहीं है वो अपने अपना देखना है कि सारे बंदे मतलब सेफ है जे अगर सेफ है तो आप बिठा सकते हैं अगर नहीं सेफ तो अपन दरवाजे पर है सिटिंग आप स्टैंडिंग कैपेसिटी ऐसे कुछ लॉ में है नहीं नहीं है सर इनका मतलब है कि बस 52 सीट रही है लेकिन उन्होंने जिदा 32 सीटा लाती है बाकी खाली छड़ती है 52 32 बना खड़ सकते हैं बहुत 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 अच्छा इशू चंडीगढ़ पुलिस और यहाँ सीटीओ के ड्राइवर कंडक्टर्स ने कहा कि हम राजे हैं और कईयों ने अपनी बात भी रखी लेकिन जरूरी ये है कि जी जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है बचाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है जो नारा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा और इसको लेकर ये थीम है और धीरे धीरे समाज में भी समाज के हर हिस्से में बदलाव भी आ रहा है वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा न्यूज 18 चंडीगढ़।